देखिए आज जो है देश के लिए बहुत बड़ी बात है और घर घर से लोग बाग निकल रहे वोट डालने के लिए, और हमारा भारत के अंदर सबसे बड़ा पूर्व माहौल बना हुआ है कि घर घर से वोट दें। आज मैं उसी को देखते हुए अपनी वोट डालने के लिए गया था। मैं अपने बूथ और अपनी वोट डालने के लिए जैसे गया तो ऐसे ही उदय ठाकरे के गुंडों ने मुझे रोका और मेरा गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी पे जो है तोड़फोड़ की और मुझे कहने लगे, एसएम खान तुम पाकिस्तान में वोट डालो, तुम्हारा हिंदुस्तान में क्या है। ये बाला साहब ठाकरे ने भी कभी मुसलमानों के बीच में अंतर पैदा नहीं किया, लेकिन उदय ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बताना चाहा और उसके गुंडों ने कि मुसलमानों को हम लोग वोट डालने नहीं देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं है, मैं अपनी वोट अभी डालूंगा, ये मेरा हक है। अभी पुलिस स्टेशन तक ये बात गई है, पुलिस स्टेशन में क्या हम लोग पुलिस स्टेशन आए थे, हमने अपनी बात रखी कि उदय ठाकरे के गुंडे हमें वोट नहीं डालने दे रहे, तो हमने अपनी शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। उनका मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था आपकी तरफ से, तो ऐसा क्या आपने किया? नहीं नहीं, आचार संहिता का क्या, देखिए यहाँ मैं यहाँ बीजेपी का वर्कर हूँ, तो मैं मेरे माथे पे तो बीजेपी का फूल तो डला नहीं है, मेरी गाड़ी पे भी नहीं था, ज़बरदस्ती वो लोग बोलने लगे ये बीजेपी का आदमी है, तो मैं अगर बीजेपी का आदमी हूँ तो इसमें मेरी गलती क्या है? क्या मैं मशाल को वोट दूँ? ज़बरदस्ती मशाल को वोट डला रहा है, काम कर रहे हैं ये लोग। मेरा मोदी का निशान मोदी है, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम जिले के अंदर तीर पर निशान है, तीर का निशान, हम तीर पर निशान पे वोट देंगे और मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत का मुसलमान पूरा मोदी जी के साथ है। अभी उदय ठाकरे के गुंडों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपना मत मोदी जी को दूंगा और दिलाऊंगा, ये मेरा मिशन है।